हेलो दोस्तों, अगर आप एक नया यूट्यूब चैनल बना लिए हैं और उस पर कोई वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जो समझ लीजिए आप कोई पहला वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो पहला वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो अपलोड करने के टाइम आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना है। ऐसे बहुत सारे लोग जो वीडियो अपलोड करते हैं तो अपलोड करते ही टाइम में बहुत सारा गलती कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप लोग वीडियो अपलोड कैसे करना है वही मैं आपको इस वीडियो में बता लूँ, एकदम सही तरीका बताऊँगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग भी वीडियो बनाते हैं, वहाँ पर बताते हैं किस तरह से वीडियो अपलोड करते हैं। तो एक बार जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ उस तरह से वीडियो अपलोड करके देखिए। आपको बिल्कुल आपके चैनल पे सब्सक्राइबर नहीं है, फिर भी आप इस तरह से वीडियो अपलोड कीजिए, आपके चैनल पे व्यू भी आएंगे और सब्सक्राइबर भी आएंगे, ये मेरा वादा है। मैं आपसे मैं जो तरीका आपको बताने वाला हूँ ना, इस तरीके को फॉलो कीजिए, ज़रूर आपके चैनल पर व्यू भी आएगा और आपके सब्सक्राइबर भी आएंगे। जब आपका वीडियो क्वालिटी अच्छा रहेगा ना, तो आपके चैनल पर व्यू भी आएगा और आपके सब्सक्राइबर भी आएंगे। तो इस तरह से आप वीडियो अपलोड करके कीजिए। आपके बिल्कुल नया चैनल है, बिल्कुल नया चैनल है तो किस तरह से मतलब आप वीडियो अपलोड करेंगे, देखिए मैं वही मैं आपको सही तरीका आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। कुछ भी मैं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं आपको फेंक रहा हूँ कि मैं आप ऐसा कर दीजिए वैसा कर दीजिए, जो सही तरीका है मैं वही आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे कोई भी बड़े बड़े यूट्यूबर जो रहते हैं ना, यहाँ पे कुछ भी बताते हैं जो सही तरीका रहता है वो जल्दी कोई नहीं बताता है। यहाँ पे हम सबको वीडियो बनाते हैं लोग, आपको जो सही तरीका रहता है ना कोई आपको बताता नहीं है किस तरह से आपको कौन सा वीडियो मतलब किस तरह से वीडियो को अपलोड करते हैं। जो सभी लोग अपलोड करते हैं ना वीडियो, हम भी कैसे वीडियो अपलोड करते हैं, मैं पर्सनल जो मैं किस तरह से मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उस तरह से मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा किस तरह से वीडियो अपलोड करते हैं। तो देखिए मैं अपने मोबाइल में यहाँ पे अपने मोबाइल में यूट्यूब को ओपन कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको यहाँ पे बताते हैं किस तरह से आपको अपने वीडियो को अपलोड करना है। पहले आपको करना है क्या है, आपको जो भी मतलब वीडियो को अपलोड करना है ना, तो कोई भी मतलब वीडियो आप बना रहे हैं जिस कैटेगरी का भी वीडियो बनाया है उसको पूरा अच्छा से क्वालिटी में आपको वीडियो बना लेना है। उसके बाद से पूरा उसको जो भी उसको एडिटिंग करना है सब एडिटिंग करना है, थंबनेल भी आपको अच्छे से बना लेना है, सब कुछ सही से कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, आपको अपना YouTube एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो हम यहाँ पे YouTube एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से ही आपको वीडियो को अपलोड करना है, ऐसे क्रोम ब्राउजर से भी जाके अपलोड कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें नेट का प्रॉब्लम हो जाता है, तो वहाँ से क्या होता है आपका वीडियो जो कैंसिल हो जाता है, प्रोसेसिंग में ही अटक जाता है, आपको वीडियो अपलोड नहीं होता है, तो वहाँ पर कुछ सब प्रॉब्लम होता है। और यहाँ YouTube एप्लीकेशन से अपलोड करते हैं तो जब भी आपका नेट रहेगा तो यहाँ से अपलोड हो जाएगा, कभी भी आपको मतलब यहाँ पे दिक्कत नहीं होता है। तो हम यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो प्लस का इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने पर देखते हैं आपको यहाँ पे इतना सारा आपका बिल्कुल नया चल रहेगा। तो आपको यहाँ पे दो ही ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे अपलोड वीडियो या नहीं तो गो लाइव, तो आपको दो ही ऑप्शन आपको दिखेगा, तो आपको अपलोड वीडियो पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे शॉर्ट का भी आपको ऑप्शन है, शॉर्ट वीडियो अपलोड करना चाहते हैं शॉर्ट भी अपलोड कर सकते हैं। तो इसको जैसे फिर क्लिक कर देंगे ना, तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे जो भी वीडियो अपलोड करना चाहते हैं उस वीडियो को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो समझ लीजिए हमको ये वाला वीडियो अपलोड करना है, तो इस वीडियो को हम इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, आपको मैं यहाँ पे दिखा देता है। जैसे अपलोड करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको ऑप्शन दिखेगा, जो भी कैटेगरी का आपको समझ लीजिए जिस कैटेगरी के रिलेटेड आप वीडियो बनाए ना, तो पहले आपको उसका टाइटल आपको लिख लेना है कहीं से नोटबुक में या फिर कहीं व्हाट्सएप में कहीं पे भी आपको लिख लेना है, और उसको आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है। तो आपको यहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं, तो समझ लीजिए आप पोस्टर डिज़ाइन का पोस्ट वीडियो बनाए थे, हम यहाँ पे लिख देंगे पोस्टर डिज़ाइन कैसे करें। पहले यहाँ पे लिख लेंगे पोस्टर डिज़ाइन, यहाँ पे पोस्टर, यहाँ पे लिख लेंगे पोस्टर डिज़ाइन, इस तरह से लिख लेंगे हम यहाँ पे पोस्टर डिज़ाइन कैसे करें, इस तरह से आपको लिख के यहाँ पे। और नीचे जब आएंगे तो आपको यहाँ पे ऑल स्टेट का ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन आपको दिखेगा, तो आपको यहाँ पे देखिए पब्लिश और अनलिस्टेड और यहाँ पे देख सकते हैं प्राइवेट, और यहाँ पे नीचे शेड्यूल्स का ऑप्शन दिख रहा है। तो आपको यहाँ पे अनलिस्टेड में अपलोड करना है, जो भी वीडियो अपलोड करना है तो अनलिस्टेड में अपलोड करना है, और यहाँ से फिर इसको अनलिस्टेड पर टिक लगा देना है। यहाँ पे देख सकते हैं मैं आपको यहाँ पे दिखा देता है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे टिक लगाया तो पब्लिश हो जाए, जैसे अपलोड हो गया तो आपको सभी का वीडियो पब्लिश हो जाएगा और सब लोग जितने भी आप चैनल को सब्सक्राइब किए उनके पास इसका नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो आपको अनलिस्टेड में अपलोड कर लेना है, अनलिस्टेड में अपलोड करना है और यहाँ से बैक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं और ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं आपको ऐड प्लेलिस्ट, आप यहाँ पे कोई प्लेलिस्ट ऐड करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट ऐड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेगा, तो आपको यहाँ पे नीचे वाले पे क्लिक कर देना है, और यहाँ से आपको मतलब 18 साल का कोई समझ लिया बच्चे वाला कोई वीडियो बनाए तो आपको पहले वाला अपलोड कर क्लिक कर देना है, और 18 साल के ऊपर का रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं तो इस नीचे वाले पे क्लिक करके आपको अपलोड वीडियो पे क्लिक कर देना है। जैसे अपलोड वीडियो पे क्लिक कर देंगे तो इसका अपलोडिंग वीडियो मतलब जो वीडियो अपलोड कर देंगे उसका चालू हो जाएगा, यहाँ पर वीडियो अपलोडिंग चालू हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते वीडियो अपलोड हो रहा है। तो इस तरह से आपको थोड़ा टाइम लगेगा और वीडियो अपलोड हो जाएगा।
उसके बाद दोस्तों आपको प्ले स्टोर से YTS जो YTS स्टूडियो रहता है उसको डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर में मिल जाता है। उसमें क्या आपको टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन सही से आप डाल सकते हैं, तो हम यहाँ पे वो भी एप्लीकेशन आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देख सकते हो YTS स्टूडियो यहाँ पे हम ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा जो मेरे चैनल यहाँ पे ऐड है मैं उसको हम यहाँ पे जिस चैनल पर अभी वीडियो अपलोड कर रहा था ना उसको मैं यहाँ पे लॉगिन करके आपको दिखा देता है। देख सकते हम यहाँ पे जो वीडियो अपलोड कर रहे सिर्फ आपको बताने के लिए अपलोड कर रहा था। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप अपलोडिंग यहाँ पे चालू है और यहाँ पे अपलोडिंग चालू है और इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे पोस्टर डिजाइन मैंने लिखा नहीं था आपको थ्री डॉट पे क्लिक कर देंगे, नहीं तो आप इसके ऊपर भी टच करेंगे यहाँ पे वीडियो के ऊपर। जैसे टच करेंगे ना तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ऑप्शन आ गया था तो आपको पेंसिल वाले पे क्लिक कर देना है। पेंसिल वाले पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो टाइटल लिखेंगे ना आपको यहाँ पे टाइटल जो भी लिखेंगे तो आपको वीडियो के हिसाब से टाइटल यहाँ पे लिख लेना है। पोस्टर डिजाइन कैसे करें उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे मोबाइल से पोस्टर कैसे बनाए, मोबाइल से इस तरह से आपको लिख लेना है। आपको यहाँ पे मोबाइल से मतलब क्या क्या लोग सर्च करते हैं तो कुछ अपने हिसाब से आपको यहाँ पे लिखना है। मोबाइल से पोस्टर कैसे बनाए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोबाइल से पोस्टर कैसे बनाए, यहाँ पे लिख देता है इस तरह से पोस्टर कैसे बनाए, इस तरह से आपको लिख लेना है। फिर से आपको यहाँ पे एक खड़ा लाइन दे देना है, फिर आपको यहाँ पे मोबाइल से पोस्टर कैसे बनाते हैं इस तरह से आप लिख कर आपको क्या करना है इस यहाँ से इसको सभी को कॉपी कर लेना है, इस तरह से कॉपी कर लेना है और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में इसको पेस्ट कर देना है। पहले यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना, उसके बाद आपको यहाँ पे जो कुछ अपडेटेड यहाँ पे डिटेल्स डालना चाहते हैं सिंगर का नाम या मतलब किस हिसाब से मतलब आपको यहाँ पे वीडियो बनाया है जो भी आप नाम डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। मतलब कोई दूसरा वीडियो का लिंक डालना चाहते हैं तो दूसरा वीडियो भी लिंक डाल सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको जो मतलब जो भी मतलब यहाँ डालना चाहते हैं उसके बाद आप डाल सकते हैं। और इस वीडियो के रिलेटेड आप यहाँ पे कुछ कीवर्ड डाल सकते हैं, मतलब योर कीवर्ड्स लिख के आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, जैसे मोबाइल से पोस्टर कैसे बनाए, पोस्टर कैसे बनाते हैं, पोस्टर डिजाइन कैसे करते हैं, इस तरह से 10-12 बार यहाँ पे लिख देना है नीचे। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे यहाँ से बैक कर देंगे, फिर आपको यहाँ पे आ जाना है और उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे टैग पे क्लिक कर देना है और इसके बाद आपको टैग भी डाल देना है। यहाँ पे टैग कैसे डालेंगे तो हमें मोबाइल से पोस्टर कैसे बनाए यहाँ पे लिख देता हूँ, तो टैग इस तरह से आपको मोबाइल से पोस्टर कैसे बनाए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरह से मोबाइल से पोस्टर, तो यहाँ पे लिखेंगे कैसे पोस्टर इस तरह से लिख देंगे हम मोबाइल से पोस्टर कैसे बनाए। देखिए इस तरह से मैंने लिख दिया, फिर से यहाँ पे लिखेंगे यही अक्षर लिखेंगे मोबाइल से पोस्टर कैसे बनाए, तो कैसे लिखेंगे देखिए थोड़ा स्पेलिंग को आपको डिफरेंट कर देना है, स्पेलिंग थोड़ा गलत और अलग कर देना है। तो मैं यहाँ पे देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता है मोबाइल से पोस्टर कैसे बनाए, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जैसे लिखेंगे तो ये अलग हो जाए। तो अब करना क्या है इस तरह से आपको लिख लेना है मोबाइल से पोस्टर कैसे बनाए और यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे इस तरह से वाई को हटा देना है, ई लगा देना है, एल लगा देना है, इस तरह से मोबाइल से पोस्टर कैसे बनाए। फिर यहाँ पे इस तरह से मोबाइल का पोस्टर कैसे बनाते हैं, मोबाइल से पोस्टर डिजाइन कैसे करें, पिक्सल लैम में पोस्टर डिजाइन कैसे करते हैं, पिक्सल लैम में फ्रंट डिजाइन कैसे करते हैं, इस तरह से आपको अपने लिख के आपको यहाँ पे टैग अपने वीडियो के हिसाब से यहाँ पे टैग डालते जाना है और टैग यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको फिर यहाँ से बैक कर देना है और उसके बाद समझ आपको कोई टाइमिंग डालना चाहते हैं कितने टाइम पे आपको वीडियो को पब्लिश करना है तो यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आपको यहाँ पे शेड्यूल का ऑप्शन दिख जाता है, इसके ऊपर क्लिक करके फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी आप जो भी डेट रहता है जिस डेट को आपको डालना चाहते हैं तो डेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ से ओके कर लेना है। और उसके बाद जो भी आपको टाइम डालना है समझ लीजिए आपको 9 बजे डालना है, सुबह 10 बजे डालना है या सुबह डालना है 6 बजे 5 बजे, वो टाइम आपको यहाँ पे अपने हिसाब से सेलेक्ट करके यहाँ से ओके कर देंगे। तो उसके बाद दोस्तों आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे क्लिक करके इसको सेव कर ले सकते हैं। और बिल्कुल नया चैनल बनाए ना तो आपको यहाँ पे देखिए आपको थंबनेल का ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा उस पर मैं वीडियो बना दूंगा किस तरह से आप यहाँ पे थंबनेल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे थंबनेल को आपको पहले लगा लेना है, जो भी वीडियो का आप थंबनेल अच्छे से बनाए होंगे उस थंबनेल आपको अच्छे से बना लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पे थंबनेल लगा लेना है। तो थंबनेल में आपको यहाँ पे कोई भी एक थंबनेल आपको यहाँ पे लगा के आपको दिखा देते हैं यहाँ पे जो भी मैं थंबनेल यहाँ पे बनाया होगा तो सिर्फ मैं आपको यहाँ पे दिखाने के लिए आपको बता देता हूँ। तो समझ लीजिए यहाँ पे मैं कोई भी एक यहाँ पे ये वाला वीडियो है, ये वाला थंबनेल है तो इसको हम यहाँ पे इस तरह से सेलेक्ट करके यहाँ पे कोई भी मतलब सिर्फ आपको बताने के लिए इसको इस तरह से आप यूज मत कीजिएगा, इस तरह का थंबनेल बनाइए मत बनाइए बहुत बेकार थंबनेल है। तो ये मैं नहीं बनाया तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला मेरा थंबनेल बनाया नहीं है, सिर्फ मैं आपको यहाँ पे दिखाने के लिए यहाँ पे दिखा दिया। इस तरह सेलेक्ट करके आपको यहाँ से डाउन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे थंबनेल आपका सेव हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे सेव कर देंगे तो यहाँ पे आपको जो टाइमिंग डाले होंगे उस टाइमिंग पे वीडियो पब्लिश हो जाएगा। तो इस तरह से आप पब्लिश कीजिए। उसके बाद दोस्तों मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा किस तरह से मैं अपने जो चैनल पे सेटिंग करना रहता है ना
वो सेटिंग भी आपको जो जरूरत है उस सेटिंग के बारे में भी मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा किस तरह से आपको यहाँ पे कुछ सेटिंग करना पड़ता है, उस सेटिंग भी मैं आपको बता दूंगा अगले वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी ऐसा वीडियो बनाओ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप देख सकें।